बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है। जब से पाकिस्तान के ऊपर खास करके अगर बात की जाए तो जितने भी आतंकी ठिकाने हैं पाकिस्तान के, जब से हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक करके उनको ध्वस्त किया है उसके बाद से लगातार 50 से ज़्यादा जो है सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर चुका है। और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो अभी भी कुछ देर पहले जो है पाकिस्तान ने जो है पुंछ इलाके में एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। लगभग 5:30 बजे से लगातार जो है पाकिस्तान जो है फायरिंग किए जा रहा है और ये पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेलिंग की जा रही है और स्मॉल आर्म फायर भी किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। आज सुबह भी जो LC पलां वाला इलाका है वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो है पुंछ इलाके में भी फायरिंग चल रही है। हालांकि पाकिस्तान को लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जवाब दिया जा रहा है और ये पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन है जो लगातार हम अगर बात की जाए तो जब से एयर स्ट्राइक हुई है उसके बाद से लगातार पाकिस्तान जो है सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और ये सीज़ फायर का उल्लंघन जो है लगभग अब 50 बार से भी ज़्यादा हो चुका है और 50 से ज़्यादा सीज़ फायर के उल्लंघन अभी तक जो है पाकिस्तान जो है कर चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा अभी तक का जो लेटेस्ट अपडेट जो कि PRO डिफेंस द्वारा ऑफिशियली बताया गया है उसके अंदर लगभग जो 5:30 बजे के करीब ये फायरिंग शुरू की पुंछ इलाके में और उसके बाद लगातार इस फायरिंग का जवाब भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा आज सुबह IAF एयर मार्शल धनोवा की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि जो कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक नहीं हुई है या सबूत मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि एयर फोर्स को कोई भी सबूत देने की ज़रूरत नहीं है और उन्होंने ये भी कहा हमारी तरफ से जो निशाना हमने साधा था हमने उस टारगेट को पूरा किया है और उसके अंदर उन्होंने अपने इंडियन एयर फोर्स के ऊपर जो है शाबाशी भी दी अपने सभी पायलट्स को और मेरे ख्याल से जो जो लोग इस चीज़ के ऊपर बड़े सवाल उठा रहे हैं उनके लिए बड़ी चीज़ ये भी है कि अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं चाहे इंडियन आर्मी हो इंडियन नेवी हो या इंडियन एयर फोर्स हो इस तरह के सवाल नहीं उठाने चाहिए क्योंकि आप लोग कई लोग आप देखते हैं इस तरह की सोच के और इस तरह की आइडियोलॉजी के भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर पाकिस्तान अगर कोई खबर चलाता है तो उसके ऊपर कोई भी सबूत नहीं मांगे जाते और जब हिंदुस्तान की तरफ से किसी खबर की पुष्टि की जाती है तो उसके ऊपर जो है सबूत मांगे जाते हैं। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जिसके ऊपर हमने आपको पूरी अभी तक की अपडेट दिया। पुंछ इलाके में एक बार फिर से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गई है और हर गोली का जवाब जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ दिया जा रहा है। आप लोग देखते रहें JK मीडिया और पाकिस्तान की जिस तरह से ये नापाक हरकतें जारी हैं उसी तरह से उनको जो है इसका करारा जवाब हिंदुस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। आज हम आपको पूरा दिन लाइन ऑफ कंट्रोल से एक एक रिपोर्ट दिखा रहे थे कि आखिरकार वहाँ पर क्या हालात बने हुए हैं कितना इलाके में जो है नुकसान लोगों का हुआ है। देखते रहें JK मीडिया, आशीष कोहली JK मीडिया के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके से। कितने लोग देख रहे हैं।